अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रीशेड्यूलिंग के अबाउट बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है पेपर मिस हो जाता है या किसी ने किसी इशू की वजह से जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो अपना जो है फाइनल टर्म का एग्ज़ाम या मिड टर्म का एग्ज़ाम जो है वो रीशेड्यूल करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अबाउट यहाँ पे हमारे LMS पे अनाउंसमेंट आई है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद आपको अनाउंसमेंट मिलती है, और उसमें क्या होता है कि आपको रीशेड्यूल एग्ज़ाम की जो है वो डेट मिलती है, और आपको पूरा वो जो है एक जो है उसका लिंक ओपन हो जाता है जिसके थ्रू आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के अबाउट हम जो है कंप्लीट इस वीडियो में जो है जो भी आपको क्वेश्चंस बनते हैं वो उनके मैं आंसर्स दूंगी, एंड इसका जो प्रोसीजर है कि किस तरह हम जो है रीशेड्यूलिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो आपको उसके अबाउट जो है वो प्रोसीजर बताऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि इस जो अनाउंसमेंट आई है उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट आई है हमारे पास, इसमें ये कल ही अभी आई है, सॉरी आज ही अभी आई है 27 सितंबर को। तो यहाँ पे इसमें क्या है हमारे पास, इसमें उन्होंने हमें बताया है कि आप जो है जिन स्टूडेंट्स का पेपर जो है मिस हुआ है या अनप्लान पेपर था जो मतलब अटैम्प्ट नहीं कर पाए वो उनके लिए जो है वो अब जो है अपना रीशेड्यूल के लिए रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए कुछ उन्होंने नोट दिए हैं हमारे पास यहाँ पे कि आपने क्या करना है, आपकी जो रीशेड्यूलिंग का चांस है वो सिर्फ आपको एक ही दफ़ा मिलता है। मीन्स के जैसे अभी रीशेड्यूलिंग का जो है वो लिंक ओपन हो गया है, तो ये अभी आप कर सकते हैं। अगर अभी आपने ना किया इस डेट के अंदर तो क्या होगा कि आप दोबारा रीशेड्यूल नहीं करवा सकते। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो ओपनिंग डेट और लास्ट डेट है मतलब कब तक आप रीशेड्यूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो कब तक कर सकते हैं, तो इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर रीशेड्यूलिंग वो क्या है, 7 अक्टूबर है। ठीक है, I-27 है और 7 तक आपको 10 दिन मिले हैं जिसके अंदर आप जो है रीशेड्यूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिन के आप अंदर अप्लाई कर सकते हो, और ये क्या है दोनों मतलब स्टूडेंट्स के लिए है, लोकल स्टूडेंट्स के लिए भी और ओवरसीज़ के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि रीशेड्यूलिंग की जो डेट है मतलब जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर है, और जो रीशेड्यूल एग्ज़ाम होगा वो किस डेट पर होगा, वो 10 अक्टूबर को होगा। ठीक है, मतलब जिस डेट पे सभी का जिस जिस स्टूडेंट ने रीशेड्यूल करवाया होगा उनको जो एग्ज़ाम होगा ओवरऑल वो सभी का 10 अक्टूबर को होगा। ठीक हो गया, और इसके बाद इसका जो है प्रोसीजर वगैरह भी देख लेते हैं और जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपने अभी लाइक अगर आप अप्लाई आज अप्लाई करना चाहते हैं जब भी करना चाहते हैं आपने क्या करना है, LMS पे जाना है और स्टूडेंट सर्विसेज में जाके एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में जाना है, देन अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग कर देना है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो है पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी इस पर लास्ट ईयर में, तो उसमें स्टूडेंट्स ने पूछा था कि इसमें अगर हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए रीशेड्यूलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो एक स्टूडेंट सब्जेक्ट अगर आपका होता है मतलब एक सब्जेक्ट का अगर आपका पेपर मिस हुआ है और आप उसका रीशेड्यूल करवाना चाहते हो तो क्या होगा कि आपका 2000 जो है वो पर सब्जेक्ट होगा। अगर किसी स्टूडेंट के दो सब्जेक्ट हैं तो उसका फिर 4000 बन जाएगा, अगर तीन है तो 6000 बन जाएगा, मतलब पर सब्जेक्ट जो है वो 2000 है। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या है कि आप जो है इसमें एक दिन में मतलब आपका सभी का एग्ज़ाम होगा। ये भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो है एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, अगर हमारा एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का हम रीशेड्यूल करवाते हैं या एक से ज़्यादा पेपर हमारे मिस हुए हैं और हम उनको अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो क्या वो एक ही दिन में अटैम्प्ट होंगे मतलब एक ही डेट पर होंगे। तो हाँ जी, ये एक ही दिन पे आपके सभी सब्जेक्ट्स का अगर आपका पेपर आप रीशेड्यूल करवाते हो तो एक ही दिन पे होगा। ठीक है, टाइमिंग स्लॉट्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, बट अगर आप रीशेड्यूल करवाते हो तो 10 अक्टूबर को ही सभी सब्जेक्ट्स का आपका पेपर होगा उसी दिन में। ठीक है, तो उसके बाद आप 7 सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपने जो है अगर आपका जो पेपर मिस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का आज पेपर मिस होता है तो एग्जैक्ट कल इस टाइम तक जो है वो उसको वो मिस्ड पेपर का ऑप्शन जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब रीशेड्यूलिंग के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना कि अभी आपका पेपर मिस हो गया, आप कुछ आवर्स बाद चेक करो को मैं इसको रीशेड्यूल कैसे करूं, मुझे तो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। आपने 24 आवर्स तक वेट करना है, उसके बाद आपको जो है वो रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक हो गया, ये आपने चीज़ याद रखनी है, इस चीज़ को लेकर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अब उसके बाद यहाँ पे एक और जो चीज़ है, यहाँ पे इसके रूल्स वगैरह में कुछ दिए गए थे जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने इसके रूल्स जो हैं वो पहले से ओपन करके रखे हुए हैं। तो रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन के जो एग्जाम रूल्स हैं उसमें क्या है कि लिखा हुआ है कि स्टूडेंट में रिक्वेस्ट फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर विद इन द अनाउंस्ड टाइम। ठीक है, मतलब जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है लाइक
7 अक्टूबर तक टाइम मिला है आपको, लास्ट डेट 7 अक्टूबर है, तो उस टाइम तक आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा। उसके बाद आपकी जो फ़ी है वो आपको दोबारा वापस नहीं की जाएगी, जो आपने मतलब रीशेड्यूलिंग के लिए फ़ी दी है वो आपको वापस नहीं की जाएगी। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे तो पेपर नहीं देना, मुझे फ़ीस वापस रिटर्न की जाए, तो नहीं होगी, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिनका जो है LMS वगैरह ब्लॉक है वो भी नहीं अटैम्प्ट कर सके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जिन्होंने अटैम्प्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जिसने आज पेपर अटैम्प्ट भी किया, उसका पेपर अच्छा नहीं गया, वो चाहता है कि वो दोबारा उसको अटैम्प्ट करे और रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं, तो उसका भी नहीं होगा, ठीक है। और किसी का पेपर ब्लॉक हो चुका तो वो भी नहीं होगा, सही है। उसके बाद क्या है कि एग्ज़ाम जो है शेड्यूल वो डिपार्टमेंट की तरफ से ही मतलब फाइनलाइज होगा, उन्हीं के ऊपर है कि वही इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो आपका कंट्रोल नहीं है, आपको जो डेट मिली है बस उसी पर ही आपको अटेम्प्ट करना है और उसी डेट के अंदर ही आपको अप्लाई भी करना है, जो आपको मिली हुई डेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये इसका प्रोसीजर, आपने क्या करना होता है, आपने स्टूडेंट सर्विसेज में जाना होता है। LMS लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट सर्विसेज में आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एकेडमिक्स अकाउंट्स एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, तो आपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आना है। आपने यहाँ पे देखिए आपको 5th नंबर पे जो है, 4th 5th नंबर पे आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर, ठीक है। सॉरी ये रीचेकिंग है, 5th नंबर पे आपको नज़र आ रहा है रीशेड्यूलिंग, अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर, आपने रीशेड्यूलिंग पे क्लिक करना। जब आप रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको एक नया डिस्प्ले जो है वो ओपन हो जाएगा आपके लिए, और उसमें फिर आपको आपका जो है यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहा है। जब आप रीशेड्यूलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो शो करेगा, आपको एक नया डिस्प्ले शो होगा जिसपे आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना पेपर अप्लाई कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, मैंने अभी ओपन किया है अपना, उस पर क्लिक किया है और यहाँ पे उन्होंने मुझे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए क्या बताई है, 7 अक्टूबर, जो कि हम पीछे अनाउंसमेंट में डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी लास्ट डेट 7 है। उसके बाद डेट ऑफ रीशेड्यूल एग्जाम है, तो जिस डेट पे आपका पेपर होगा एग्जैक्ट वो डेट 10 है, मतलब 10 तारीख को आपका पेपर होगा। अब यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा कोई भी पेपर जो है वो मिस नहीं हुआ, मतलब मेरे सारे पेपर जो है वो हुए हैं, अटैम्प्ट मैंने किए हैं, इसलिए मेरा कोई भी पेपर मिस नहीं हुआ और मुझे यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। अब लास्ट टाइम मेरा एक जो है सब्जेक्ट का ट्रैफिक की वजह से मैं टाइम पे नहीं पहुंच सकी थी और मेरा पेपर जो है वो मिस हो गया था, मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी, तो वो जो है मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर आपको जो है वो मतलब अप्लाई करके दिखाया हुआ है कि कैसे रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, बाकी मैंने वहाँ उसी वीडियो से स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, ताकि आपको अगर आप नहीं जाना चाहते उस वीडियो पर तो यहीं से आपको जो है वो समझ आ जाए। अब उसमें मैंने आपको पूरा ये प्रोसीजर बताया हुआ है कि कैसे जो है मैंने सबमिट रिक्वेस्ट की थी। अब वही सब्जेक्ट को लेके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप याद रखिएगा कि ये डेट आपकी है, वो प्रीवियस ईयर की डेट है, इसलिए वहाँ पे आपको 2021 नज़र आएगा। बस आपको ये चीज़ देखनी है, यहाँ पे राइट नो क्या है, नो रिकॉर्ड फाउंड, तो वहाँ पे आपको जो रिकॉर्ड है वो शो हो जाएगा, मतलब जो मेरा पेपर पिछले साल मिस हुआ था वही आपको बस समझाने का मकसद है कि आपको पता लग जाए कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, सबमिट कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए आप सेम आपको वही चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे रूल्स आ रहे हैं, यहाँ पे नेम मेरा लिखा हुआ, यहाँ पे लास्ट डेट इन्होंने ये पिछले साल की है लास्ट डेट, तो इस साल जो आपको लास्ट डेट आपको पता है 7 है और पेपर की डेट जो है वो 10 है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है अभी, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। आपने देखा ना यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, और यहाँ पे जो पिछले साल मेरा मिस हुआ था तो तब मुझे क्या शो हो रहा था, यहाँ पे कोर्स कोड शो हो रहा था, जो पेपर मिस हुआ था उसका टाइटल शो हो रहा है एंड उसका सिटी शो हो रहा है, मतलब जो मेरा एग्जाम सिटी है वो मुझे शो हो रहा है। तो आपने यहाँ पे आप एक्चुअली क्या करना है, आपने यहाँ पे देख लेना आपका जो सब्जेक्ट मिस हुआ होगा ना, जिस सब्जेक्ट का पेपर मिस हुआ होगा वो आपको यहाँ पे कोर्स कोड में आपका सब्जेक्ट शो हो जाएगा। उस सब्जेक्ट के सामने आपको प्रेफर सिटी भी किया होगा कि आपने सिटी सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपका जो भी सिटी है, आपका जो भी मतलब जिस सिटी से भी आप बिलोंग करते हैं, आपने वो जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक्शन पे चेक कर देना, ठीक है। इसको हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट मैंने पिक्चर में जो है इसको किया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ क्योंकि ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब लास्ट पिक्चर में क्या देखा आपने, प्रेफर सिटी उन्होंने ऑप्शन दिया होता है कि सिलेक्ट करें, मैंने यहाँ पे जो है अपना सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लिया, जहाँ पे मैं एग्जाम देना चाहती हूँ, मतलब जो मेरा सिटी है। अब यहाँ पे मैंने सिटी सिलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्शन पे क्या कर देना, चेक कर देना, ठीक है, इसको मतलब ऐसे चेक कर देना, तो ये चेक कर दिया और यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इसको सबमिट रिक्वेस्ट पे कर देना है। सिंपली आपने मतलब स्टूडेंट सर्विसेज में जाके, रीशेड्यूलिंग में जाके सब्जेक्ट के सामने सिटी सेलेक्ट करके और चेक करके सबमिट कर देना है।
और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अब मैंने वो सेलेक्ट करके सबमिट रिक्वेस्ट जब की, मतलब तो जो लास्ट पिक्चर में मैंने जब सबमिट किया, तो मुझे क्या शो हुआ, मुझे यहाँ पे पूरा एक वो उसका रिक्वेस्ट के अबाउट जो है डिटेल आ गई मेरी, मतलब ये चालान आईडी मेरी आ गई, ये मेरा कोर्स है, ये मेरा सिटी उन्होंने सेलेक्ट किया, स्टेटस क्या है, राइट नाउ पेंडिंग है, ठीक है, अमाउंट कितनी है, 2,000 है, मतलब मेरे एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट के लिए 2,000 फीस जो है मुझे देना पड़ी है, 2,000, ठीक है। रिक्वेस्ट डेट मैंने कब अप्लाई किया था, मैंने 4 सितंबर लास्ट डेट की बात कर रही हूँ, मतलब आप जब अभी अप्लाई करोगे तो आपको रिक्वेस्ट डेट आज की शो होगी, अगर आज आप करते आज मतलब आज करते हो तो आपको आज की डेट यहाँ पे शो होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप विड्रॉ कराना चाहते हो रिक्वेस्ट तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने फीस सबमिट करवानी है 2,000, जो भी आपका सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट हैं तो दोनों की आपको सबमिट करवाना होगी, एक है तो एक ही सबमिट करवानी है। फी आप सबमिट करवाओगे, चलान आईडी आपने देख लेनी है, उसके हिसाब से आपने फ़ी सबमिट करवानी है। फ़ी सबमिट करवाने के बाद यहाँ पे आपका स्टेटस जो है ये पेंडिंग आ रहा है इस टाइम पे, आपको तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर जो है आपको मेल आ जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर मेल आ जाती है व्यू की तरफ से, आपने अपनी ईमेल जो है वो चेक करते रहना है, आपको मेल आ जाएगी, आपने वहाँ पे देखना है, आपको मेल कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई है, सबमिट हो गई है और आपका एग्जाम जो है वो होगा, मतलब रीशेड्यूल हो चुका है, वैसे आ जाती है, जैसे आप फी सबमिट करवाएंगे तो आपको 2-3 दिन के अंदर जो है वो ईमेल आ जाएगी व्यू की तरफ से। तो इस तरह जो है आपके क्या होगा, आपका पेपर जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो रीशेड्यूलिंग डेट थी उसके ऊपर आपका पेपर जो है वो होगा। और होगा क्या कि यहाँ पे आपको अब राइट नो क्या है, पेंडिंग है, तो आपको फिर उसके बाद कंफर्म्ड आ जाएगा या फिर सबमिटेड आ जाएगा, कुछ इस तरह का वर्ड जो है वो आ जाएगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो गई है। उसके बाद आपने करना क्या, यहाँ पे आपका कंफर्म हो गया कि आपकी रीशेड्यूलिंग का जो है वो हो गया है, आपने अब क्या करना है, आपने जब एग्जाम के लिए जाना है तो आपने फ्रेश डेट शीट लेके जाना है, ठीक है, आपने स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है, अपनी जो भी आपकी डेट शीट थी मतलब आपने लॉग इन करना है उस पर, यहाँ पे आप जब लॉग इन करेंगे तो आपने अपनी जो फ्रेश डेट शीट है, ठीक है, मेक योर डेट शीट पे करके लॉग इन करके अपनी फ्रेश डेट शीट ले लेनी है, सही है, आपने फ्रेश डेट शीट लेनी है, उस पर फिर क्या होगा कि आपको जो दूसरी मतलब न्यू डेट है वो आपको उस सब्जेक्ट के लिए शो हो जाएगी, और वो आपने कैंपस में साथ लेके जानी है, एग्जाम सेंटर में लेकर जानी है। तो ये मेन चीज़ें थी, आप कोशिश कीजिए कि आप जो है एग्जाम्स को पहले ही अटेम्प्ट कर लें, रीशेड्यूल ना करवाएं, अगर करवाना भी पड़ता है किसी वजह मतलब किसी मजबूरी की वजह से, किसी रीज़न की वजह से, तो आप क्या करें कि आप एक दो को ही रखें, ज़्यादा सब्जेक्ट्स अगर आप रखेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, एक दिन में इतने सारे सब्जेक्ट्स रीशेड्यूल होंगे तो आपको मतलब मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर था और इसकी चार्जेस, जो जो चीज़ें मुझे लगता था कि आपके माइंड में चीज़ें आ सकती हैं, आपको पूछना पड़ेंगी, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। मज़ीद फिर भी कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद फाइनल टर्म प्रिपरेशन पे भी मेरी वीडियोज़ हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स पे मैंने बनाए हुए हैं, शॉर्ट लेक्चर्स मौजूद हैं, वो भी आप वीडियोज़ देख सकते हो। और ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड से लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।